हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं काफ़ी खूबसूरत सा 3 BHK हाईलैंड अपार्टमेंट में सेक्टर 12। तो नेक्स्ट बता देता हूँ इसके क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपका आपको वेंकटेश्वर हॉस्पिटल पास में मिलने वाला है, आपका सैम इंटरनेशनल पब्लिक पास में मिलने वाला है, जस्ट सामने आपका ये सारी चीज़ें हैं। सेक्टर 12 का मेट्रो यहाँ पे मिलने वाला है आपको। सिटी सेंटर मॉल जो है आपका सेक्टर 12 में, वो यहाँ से आपका बहुत पास रहने वाला है। तो ये हो जाती है इसकी सराउंडिंग, काफ़ी अच्छी सराउंडिंग में आपका फ्लैट होने वाला हाईलैंड अपार्टमेंट सेक्टर 12। तो दोस्तों ये हो जाता है। अब ये मैं दिखा देता हूँ इसका एंट्रेंस आपको एक बार, इसका मैं दिखाता हूँ आपको एंट्रेंस। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका एंट्रेंस। एंट्रेंस में आप आएंगे तो देखेंगे आपको मिलता है यहाँ पे ये लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे मिल जाता है आपको अपना लिफ्ट सेक्शन। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मिल जाता है अपना लिफ्ट सेक्शन एरिया और ये हो जाता है आपका स्टेयर। तो एक पे 4 यूनिट्स में रहने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 2 इधर हैं और 2 इधर होने वाले हैं। तो एक लिफ्ट यहाँ पे होने वाली है आपकी और एक लिफ्ट आपकी उधर होने वाली है। तो 2 लिफ्ट आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद आएंगे स्टेयर्स, आपको मिल जाती हैं 2 से 3। उसके बाद आएंगे, ये रहने वाला है हमारा फ्लोर। आप डोर बात देख सकते हैं, एंट्रेंस में देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको 2 क्वालिटी मिल जाती है और डोर्स पे जो डिज़ाइन का काम किया गया है, जो वुड वर्क किया गया है, काफ़ी खूबसूरत इसको बनाता है। उसके बाद आप करेंगे एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद आप देखेंगे ये हो जाता है आपका एंट्रेंस। एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही आपको मिलेगा एक वॉशरूम एरिया। दोस्तों ये हो जाता है एक वॉशरूम एरिया, जिसमें अभी जगह की फिटिंग होने वाली है, मतलब अभी काम चल ही रहा है इस फ्लैट में। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं टाइलिंग का प्रॉपर काम किया गया है, टाइलिंग का जो कलर कंट्रास्ट दिया गया है काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस क्रिएट करता फॉर योर लिप फॉर योर वॉशरूम एरिया। जगह की फिटिंग्स होने वाली है इसमें, मतलब नॉर्मली अभी हुआ नहीं है, जो कि अभी फिलहाल नहीं होने वाला, काम इस फ्लैट में चल रहा है। ऊपर लाइटिंग मिल जाती है, प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाता है आपको। तो ये हो जाता है आपका एक कॉमन वॉशरूम एरिया। उसके बाद आप आएंगे, यहाँ मिल जाता है आपको अपना एक बेडरूम। बेडरूम में देखेंगे आप, आपको मिल जाता है यहाँ पे अपना कबर्ड एरिया और साथ ही साथ में काफ़ी बड़ा वॉश आपका बेडरूम होने वाला है। और देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा आपको वेंटिलेशन यहाँ से आपको मिलने वाला है। सामने आप देखेंगे, सामने यहाँ पे आपको सेक्टर 12 की मेट्रो दिख जाएगी और सिटी सेंटर मॉल आपका मेट्रो के जस्ट बगल में है, तो वो आपको मिल जाता है उधर मेट्रो। तो ये मिल जाती है आपको UPVC का काम, इसमें नेट का भी और ग्लास का भी दोनों का काम इसमें बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। बात करेंगे फ्लोरिंग की, फ्लोरिंग पे मिल जाती है आपको टाइलिंग। टाइलिंग का काम कलर कंट्रास्ट काफ़ी खूबसूरत बनाता है आपके बेडरूम एरिया को। बात करते हैं ऊपर आपके फॉल सीलिंग की, फॉल सीलिंग में काफ़ी बढ़िया काम कर रखा है, एलिगेंट तरीके से डिज़ाइन का काम ऊपर आपको मिल जाता है और इसमें मिल जाता है आपको वाइट वॉश। कबर्ड एरिया, कबर्ड एरिया में देख सकते हैं आप काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में इसमें काम किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं स्पेस, ये आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, अंदर आपको ग्रीन प्लाई का काम मिल जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका कबर्ड एरिया। इसमें मिल जाता है आपको अपना AC का फिटिंग, आपने 10 AC लाना है और इसमें लगाना है। तो ये सारा आपको हो जाता है फर्स्ट बेडरूम। उसके बाद आप देखेंगे लिविंग एरिया और दिखाता हूँ आपको डाइनिंग एरिया। आप यहाँ आएंगे, जस्ट एंट्रेंस से इधर आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाता है अपना लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी खुला फ्लैट होने वाला है एकदम, हर जगह से आपको खुला खुला मतलब व्यू करने वाला है। देख सकते हैं प्रॉपरली UPVC का काम कराया हुआ है, शेड लगाया हुआ है। अभी भी आप देखेंगे सामने, आइए एक बार कैमरा में देखते हैं, अभी भी सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, पूरी सोसाइटी मेंटेन दोबारा से हो रही है। तो देख सकते हैं आप प्रॉपरली इसमें अभी सारा काम चल रहा है, देख सकते हैं पूरी तरीके से दोबारा से मेंटेन ये सोसाइटी हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हो जाता है आपको। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है। लिविंग एरिया में भी आप देखेंगे टाइलिंग का काम बहुत बढ़िया तरीके से करा रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें काम हुआ है। फॉल सीलिंग का काम बढ़िया करा रखा है, आपको फैन मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया। फॉल सीलिंग का काम देखेंगे आप बहुत ही एलिगेंट तरीके से विद वाइट एंड येलो कोव लाइट के साथ आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका लिविंग एरिया प्लस आपका डाइनिंग एरिया का साइज, काफ़ी बड़ा आपको लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज आपको लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ये देखेंगे आप, आपको यहाँ पे भी UPVC का एक काम मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आप चाहें तो फॉर योर वेंटिलेशन के लिए आप अपना ये हटा सकते हैं अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया के लिए। उसके बाद आप आएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे किचन एरिया। किचन एरिया काफ़ी खूबसूरत तरीके से काम किया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया अभी फ्लैट में काम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अभी ये वेसल पे चल रखा है, बट फिर भी आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें देखेंगे आप, आपको यहाँ मिलेगा UPVC का काम, जो आपके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाता है, साइज़ काफ़ी बड़ा है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। उसमें आप देखेंगे इसमें मिल जाती है आपको पैंट्री एरिया, ये देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपरली पैंट्री एरिया का काम करा रखा है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है और देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे पैंट्री एरिया मिल जाता है। ये हो जाता है दोस्तों आपका पैंट्री एरिया। बात करते हैं टाइलिंग की, टाइलिंग मिल जाती है आपको, टेक्सचर टाइलिंग मिल जाती है काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे
बात करें ऊपर ओवरहेड जितना भी आपका स्टोरेज है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना चिमनी के लिए फिटिंग वगैरह के लिए मिल जाता है, सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉपरली ओवरहेड आपको स्टोरेज मिल जाता है। बात करूँ मैं अपने नीचे के, तो नीचे आप देखेंगे आपको सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे प्रॉपरली काम किया गया है, प्रॉपरली अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रेनाइट का मार्बल। तो ये हो जाता है आपका दोस्तों किचन एरिया। किचन एरिया में मोस्टली सारा काम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी कंपनी का यहाँ पे काम कराया हुआ है। उसके बाद आप आएंगे, आपने देख लिया अपना लिविंग एरिया और अपना डाइनिंग एरिया। उसके बाद आएंगे अपने बेडरूम्स पे, एक बेडरूम हम देख चुके हैं, आप देखेंगे अपना सेकंड बेडरूम एरिया। तो दोस्तों ये होने वाला है अपना सेकंड बेडरूम एरिया, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉपरली काम मिल जाता है आपको। प्रॉपरली इसमें आपको ये एक तरीके से मान लो आपका मास्टर बेडरूम मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको कबर्ड एरिया मिल जाता है, आपको गैलरी मिल जाती है, आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो बात करते हैं गैलरी की, तो दोस्तों एक आपको यहाँ छोटी सी गैलरी यहाँ पे मिल जाती है। इसमें गैलरी में आप देखेंगे, ये आपको देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये छोटा सा नीचे पार्क होने वाला है और साथ ही साथ में बिल्डिंग का भी काम पूरा ही चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं बिल्डिंग का भी यहाँ पे सारा काम चल रहा है। दोबारा मेंटेनेंस पे बिल्डिंग आई हुई है, तो मैंने पूरी मेंटेन ये बिल्डिंग दोबारा से हो रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो मेंटेन बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इतना खूबसूरत काम मिल जाता है आपको इस फ्लैट में। दोस्तों 3 BHK होने वाला है, काफ़ी बढ़िया फ्लैट होने वाला है, 3 BHK विद 3 वॉशरूम। उसके बाद आप देखेंगे गैलरी के बाद आपको देख सकते हैं आपको यहाँ मिल जाता है वॉशरूम एरिया। वॉशरूम एरिया में देखेंगे ब्लैक कलर का कंट्रास्ट में टाइल का काम किया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत एमबीएस क्रिएट करता है फॉर योर वॉशरूम एरिया। आपको यहाँ मिल जाता है अपना विंडो वेंटिलेशन के लिए। अभी जैगुआर की फिटिंग होना बाकी है सारी इसमें, अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, जिसमें आप अभी एंडल्स वगैरह इसमें लगने बाकी है, ये जो कि आपके कबड एरिया मिल जाता है। और ये देख सकते हैं आप सारा काम प्रॉपर लाइटिंग इसमें मिल जाती है। बात करेंगे इस रूम के, तो रूम में आपको टाइलिंग मिल जाता है, टाइलिंग के साथ साथ ऊपर देखेंगे आप, ऊपर मिल जाता है आपको काफ़ी खूबसूरत सा फॉल सीलिंग का काम विद येलो और वाइट लाइट्स। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एलिगेंट काम यहाँ पे किया गया है। आइए बात करते हैं डोर्स की, डोर्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ देख सकते हैं आपको पियानो फिनिश में आपको हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आप आएंगे, आपको मिलेगा अपना लास्ट बेडरूम और साथ ही साथ में आपको मिलेगा एक बहुत ही बड़ा गैलरी एरिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी वाली, बट पहले हम देखते हैं अपना रूम। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका लास्ट बेडरूम। बेडरूम काफ़ी बढ़िया होने वाला है, काफ़ी बड़ा बेडरूम होने वाला है। इसमें आपको कबर्ड एरिया मिल जाता है, इसमें आपको वॉशरूम मिल जाता है अटैच। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका वॉशरूम अटैच, देख सकते हैं। इस वॉशरूम में भी देख सकते हैं प्रॉपरली UPVC का काम कराया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली वेंटिलेशन इसमें आपको मिलने वाला है, प्रॉपरली टाइलिंग का काम कराया गया है। जैगुआर की फिटिंग होना बाकी है अभी फिलहाल, तो सारा ही काम देख सकते हैं बढ़िया करा रखा है। साथ ही साथ में पियानो फिनिश हैंडल आपको, दो हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं अपना ये कबर्ड एरिया पे, कबर्ड एरिया में देखेंगे आप काफ़ी खूबसूरत काम कराया हुआ है। बाहर से आप देख सकते हैं पियानो फिनिश काम करा जाता है, पियानो फिनिश आपको हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं फॉर कबर्ड एरिया। बात करते हैं अंदर की, अंदर भी नाना करते करते भी ढाई फुट का आपको गहराई मिल जाती है, जिसमें आपको रॉड मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम बढ़िया काम मिल जाता है आपको यहाँ पे। उसके बाद आप आएंगे, यहाँ मिल जाता है आपको एक वेंटिलेशन एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ग्लास का काम कराया हुआ है प्रॉपरली, आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, आपको बड़ा खुला खुला फ्लैट लगने वाला है दोस्तों। ये फ्लैट बिल्कुल ऐसा लगने वाला है, खुला खुला फ्लैट होने वाला है, हर तरीके से आप देखेंगे वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होने वाली है, वेंटिलेशन इसमें काफ़ी अमेजिंग मिलने वाला है। तो ये हो जाता है आपका रूम, इसमें प्रॉपर फॉल सीलिंग का काम कराया हुआ है, एलिगेंट तरीके से फॉल सीलिंग इसमें काम कराया हुआ है। नीचे बात करते हो टाइलिंग का काम इसमें भी कराया हुआ है। तो आइए देखते हैं अपना बालकनी, जो सबसे बड़ी बालकनी है, मैं वो आपको दिखाता हूँ ऊपर। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ आपको मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं इतनी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जहाँ से व्यू मिलने वाला आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलने वाला है। ये सामने आपका सारा सेक्टर 18 आ जाता है, ये सारा सेक्टर 18 आपका मिल जाता है। ये सामने सारा जितना भी देख रहे हैं आप, ये सारे सेक्टर 18 की सोसाइटीज़ होने वाली हैं। तो ये सेक्टर 12 में हाईलैंड अपार्टमेंट होने वाला है, जिसमें मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया, सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन और सिटी सेंटर यहाँ पे मिल जाते हैं। और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल आपको जस्ट सामने, मतलब यहाँ से जस्ट आप गेट से निकलते लेफ्ट लेते ही आपको यहाँ पे आपका प्रॉपरली काम मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे आपको वेंकटेश्वर हॉस्पिटल मिलने वाला है। तो हॉस्पिटल्स भी पास है, मेट्रो भी पास है, मार्केट एरिया भी पास है, सिटी सेंटर भी पास है। स्कूल्स की बात करूँ तो स्कूल्स काफ़ी सारे यहाँ पे, बहुत वेंकटेश्वर स्कूल हो गया, सैम इंटरनेशनल हो गया, तो काफ़ी स्कूल्स भी यहाँ पे आपको पास में मिलने वाले हैं। तो जो सराउंडिंग होने वाली है इस फ्लैट की, काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन फ्लैट होने वाला है। काम की बात करूँ, अल्ट्रा लग्जरी काम हुआ, मतलब हो ही रहा है, देख सकते हैं आप अभी भी काम चल ही रहा है।
तो काफी अच्छा फ्लैट होने वाला है, काम अभी भी चल रहा है फ्लैट में। फ्लैट जिन लोगों को भी राइट टू मूव चाहिए, जो भी राइट टू मूव फ्लैट देख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट फ्लैट होने वाला है दोस्तों। बहुत ही अच्छा फ्लैट होने वाला है, काम कराया हुआ है, आपको व्यू अच्छा मिल जाता है, आपको सराउंडिंग्स अच्छी मिल जाती हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को प्यार देते रहिए, हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके से नई नई वीडियो देखने के लिए द्वारका में किसी भी प्रॉपर्टी की तो आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप हमको जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।